नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए कैरीज करंट आई, देन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। वर्टेक्स है ट्राइंगल का। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बनाया। वर्टेक्स ये भी है, वर्टेक्स ये भी है, वर्टेक्स ये भी है। हमने कहा पी पॉइंट ये है, वर्टेक्स ये वाला, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे जा रही है करंट, ठीक है। इधर से ऐसे गई, इसको पी क्यू कह दो, आर इसको कह दो, ठीक है। अब ये पी पॉइंट वर्टेक्स पे है, यानी एक्सिस पे है वायर के, तो इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। वायर नंबर वन, वायर नंबर टू, वायर नंबर थ्री, ठीक है। पहले वायर और दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे नहीं होगी, क्योंकि एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वायर जो क्यू आर वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो एंगल ये 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, और यहाँ पे भी 60 होगा, और ये एंगल 30 ये वाला बनेगा। याद करो हम लोग ऑलरेडी ए बी वायर के लिए हम लोग कर चुके हैं कि अगर पी पॉइंट कोई हो, ए बी वायर में करंट फ्लो हो रही है आई एम्पीयर की, और ये अल्फा और बीटा एंगल बना रहा हो, ये अल्फा ये बीटा, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, 4πa साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वही चीज़ यहाँ करते हैं, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू, इस केस में अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 30 डिग्री है, करेक्ट है इस सिचुएशन में। और आर की वैल्यू कितनी होगी? अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, ये साइड ए क्वेश्चन में कहा हुआ है, ये ए है, ये भी ए होगा, लेकिन ये डिस्टेंस ए बाई टू होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए बाई टू होगी, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आर इज इक्वल टू ए रूट थ्री बाई टू आएगी, सही है। अब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू आर इंटू साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 1 हो जाएगा, 1/2, 1/2, हाफ हाफ जोड़ के 1 होगा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू ए रूट 3/2, म्यू नॉट आई 4πa इंटू ए रूट 3/2, 2 ऊपर जाएगा या यहीं से काट दो 2। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 इंटू पाई इंटू ए, ये आया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कौन सा ऑप्शन सही है? और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इनवर्ड होगा ना, इनवर्ड कौन सा ऑप्शन है? ये दोनों, अच्छा वैल्यू दोनों की सेम है, देखो म्यू नॉट आई 2√3 पाई इंटू ए, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। इनवर्ड कौन सा है? ये वाला ऑप्शन इनवर्ड है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।